आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन माइट सॉल्व का सफाया बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ 400 400 चार पर इस क्वेश्चन में हमको एक नैरो साउंड पल्स दिया है मतलब ये शॉर्ट पिप बाय विजिल ये स्मॉल साउंड है और ये एक मीडियम में ये वेव प्रोपगेट हो रहा है हमको क्वेश्चन में दिया डज द पल्स हैव ए डेफिनेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ये तीनों में किस पॉसिबल है ये पल्स को हम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको पता है पल्स का मतलब क्या है जब एक स्मॉल साउंड है ये इसको पल्स कब कहते हैं जब इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है वो चेंज हो रहा है लेकिन इसका स्पीड ऑफ प्रोफोकेशन डिफिनेट वैल्यू है मतलब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज चेंज हो जाएगा इसलिए डज द पल्स हैव डेफिनेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ प्रोपोगेसन मतलब ये दोनों गलत है सिर्फ स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन है क्योंकि पल्स का वेलोसिटी या स्पीड ये कांस्टेंट है और दूसरा फ्रीक्वेंसी एफ और लैमडा ये दोनों कॉन्स्टेंट्स नहीं है और क्वेश्चन बी में दिया है एक सेकेंड में एक पल्स ट्वेंटी ये पल्स रेट इज़ वन आफ्टर एवरी ट्वेंटी सेकेंड्स मतलब एक ट्वेंटी सेकेंड्स में एक बार ये पल्स जनरेट हो रहा है और तब इसका फ्रीक्वेंसी वन बाई ट्वेंटी होगा हमको ये पता है जनरली कोई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स को टू क्या है वन बाई टाइम पीरियड मतलब एक वेव वे... वेवलेंथ जनरेट होने के लिए कितना टाइम चाहिए इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं लिखा ये दिया वन सेकेंड में ट्वेंटी तुन... सेकेंड्स में वन जनरेट हो रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जनरली वन बाई ट्वेंटी ये नॉर्मल कंडीशंस में लेकिन यह पल्स दिया है पल्स का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम ऐसे कभी नहीं सकते करेक्ट नहीं है एक रॉन्ग गलत है क्योंकि तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है पल्स में इसलिए आंसर नो थैंक यू